साजगाज नहीं, परम शांति। नारायण। चंचल लोग एकाग्र हो जाएं, सुधर जाएं या तो भाग जाएं, ऐसा ध्यान करेंगे। गहरी शांति। चंचल लोग भाग जाएं या तो सुधर जाएं, ऐसा ध्यान। चंचलता भाग जाए। ओम शांति। साज नहीं बजेंगे, गहरी शांति, एकाग्रता वाला। ओम शाबाश, बहादुर।
आनंद है माधुर्य। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसे लोग तर जाते थे। तो जब लोग राजसी तामसी बन गए, गुरु को भगवत बुद्धि से नहीं देखते, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते, फिर मूर्तियां बना के रख दी, चक्कर खाते 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 थक थका के फिर गुरु के पास आए, शायद फिर गुरु की आज्ञा माने, गुरु की कदर करे और पार हो जाए। जिन्होंने आज्ञा मानी, कदर की, वो पार हो गए। जो मनमुख रहे वो हयात गुरु से भी इतना फायदा नहीं उठाते, फिर धन गुरु नानक बोलते रहते, धन साईं लीला शाह बोलते रहते, झूले लाल करते रहते। लेकिन धन भागी वे हैं जो हयात गुरु की, गांव गांव नगर नगर डगर डगर घूम कर उडेरा लाल उपदेश देते, सत्संग करते। लेकिन उनके भाई नेजा और सोमा उनको नहीं मानते थे, वो तो संसार की मजूरी करके मरे। पूंगर ने उनकी श्रद्धा से सेवा की, पूंगर उतर गया उसकी पीढ़ियां, अभी झूलेलाल की पुजारी परंपरा में। अभी भी अवतार हो सकते हैं, आए अवतार दिखने की नजर हो, पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में अवतरित होता है। संतों का नित्य अवतार होता है, कोई नैमित्तिक अवतार होता है, कोई आवेश अवतार होता है, कोई प्रेरणा अवतार होता है। अभी शांति और प्रेरणा अवतार हो रहा है, मंगल में माधुर्य अवतार हो रहा है, भगवान की चेतना आनंद अवतरित हो रहा है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता। गुरुवाणी में लिखा है, लेकिन कोई विरले मानते, फायदा उठाते। ये फल साधन से न हुई, अपनी तपस्या मेहनत चतुराई से नहीं मिलता, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मधुरम मधुरे भ्योपी, भगवान मधुर से भी मधुर, मंगल से भी मंगल है, पावन से भी पावन है। सारे पवित्र तीर्थों को भगवान और भगवान के संत ही तो पावन करते हैं। संत चलते फिरते तीर्थ, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, पुष्कर, स्थावर तीर्थ, संत जंगम तीर्थ है। तीर्थों का सेवन बहुत काल करो तब कुछ पुण्य लाभ होता है, लेकिन संत रूपी तीर्थ का सेवन उद्धव तुरंत लाभ देता है। और संत रूपी तीर्थ का सेवन करने वाले स्वयं भी तीर्थत्व किस माधुरी से मंगलमय हो जाते। ज्ञानेश्वर बोलते हैं, जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा ली वो तीर्थों में जाता है, तो तीर्थ बोलते हैं हम किसको पवित्र करें, तो हमको ही पवित्र करने वाला है।
मंदिर में जाते तो देव बोलते हम किसको दर्शन दे, इसके दर्शन से तो माहौल पवित्र होता है। घर विच आनंद रहा भरपूर, अपने अंतःकरण शरीर अंतःकरण घर है, इसमें ही भगवत आनंद भरपूर है, भगवत शांति भरपूर। तीर्थ यात्रा से भी उपवास ज्यादा अंतर्मुख करता है, उपवास से भी ध्यान और गुरु की रहमत हजारों गुना ज्यादा फायदा करती है। ज्ञानेश्वर कहते हैं गुरु कृपा तू सदैव मेरे हृदय में रहना, ओम शांति ओम माधुर्य। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे गुरु के प्रसाद में जगा दे कोई, मुझे गुरु के ज्ञान में पहुंचा दे कोई, गुरु की शांति में, गुरु के माधुर्य में, गुरु के अनुभव में। मीरा कभी रोती कभी हंसती, कभी लज्जा छोड़कर नाचती, पागलों ने मीरा को पागल कहा, लेकिन मीरा ने जो पाया, अकबर उसके चरणों में वेश बदलकर शांति पाता है मीरा के निर्वाण। ये तालबे तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तो अपनी दिल की ओर देख, दिलबर ही तेरा आत्मदेव है, तू गुरु कृपा को गुरु ज्ञान को अपने जीवन में उतार। उतरे न उतरे मैं प्रभु का हूं, मैं गुरु का हूं, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, ये मजदूर सोचते हैं। जो सत्संग सुन लिया अपनी मैं के मूल में चले गए, बस हो गई मौज। ओम आनंद ओम शांति। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पामना, मारा जोगी आया पामना, परमेश्वर आया पामना। मथुरा में तो कंस मारियो, लंका जी में रावणा, कूद पड़ो कालिंदर माथे, नागनाथ के रावणा। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पामना, गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूध री खीर रंधावना, खीरा खंडारा अमृत भोजन, गुरु जी ने जी मावना, मारा जोगी ने जी मावना। जिमाने वाले को जो आनंद मिलता है, मन ही मन जिमाने से भी आनंद आता है, माधुर्य आता है, अंतर मधुमय होता है, सुखमय होता है। संसार के विषय विकार तो जीव को बांधते हैं, लेकिन गुरु भक्ति सारे बंधनों से छुड़ा देती है। संसार के रस तो विकार आते, लेकिन गुरु भक्ति का रस निर्विकार नारायण के स्वभाव में जगाता है। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, भुलावी हूं मारू ने तारा में डुबाड़, जुग जूना बंधन है ना, काई तो सुजाड़ वाला। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम आनंद देवा। ये सपना तो नहीं देख रहे, चुंडी लगाओ, स्वप्न तो नहीं है।
वो दरवेश कहता है कि शाकिर, शाकिर माना शुक्र गुजारने वाले, तुम जितने धनवान हो उतने नम्र हो, और जितने नम्र हो उतने तुम संतों के सेवा में लगे हो। दो दिन मेरी सेवा की और दो दिन का भोजन सामग्री मेरे साथ लेके चल रहे हो पहुंचाने को, तुम बड़े उदार हो। शाकिर कहता है ये भी नहीं रहेगा। हज से वापस लौटा तो देखा शाकिर का मकान और जायदाद गायब। लोगों से पूछा क्या है, बोले बाढ़ आई थी सब बह गया। अभी हमदाद जमींदार के यहाँ वो शाकिर काम करता है मजदूरी का, पेट भर खाना मिलता है, भैंसे देखता है, घास काटता है, बैल चलाता है। इतना बड़ा अमीर ऐसे हो गया। मैं जाऊंगा उसे मिलूंगा, उस धनाढ्य व्यक्ति को। शाकिर माना शुक्र गुजार, उसका नाम ही पड़ गया। असली नाम क्या है लोग भूल गए हैं, शुक्र गुजार को देखा तो एक मजदूर की हैसियत में दरवेश की आंखें भर आई कि बोले अल्लाह ने तुमको इतनी नेकी दी, इतना काम किया, फिर भी हम बोले आखिर ये भी तो गुजर जाएगा ना, जब अमीरी नहीं रही तो गरीबी क्या रहेगी। शाकिर बोले संतों से सुना है ना, सब गुजरता है, किसको सच्चा मानेंगे। सत्य तो ज्यों का त्यों है, अमर आत्मा है, शरीर और व्यवहार तो बदलता रहता है। शाकिर मैं फकीर हूं, दरवेश हूं, लेकिन तू छुपा फकीर है, छुपा दरवेश है, छुपा साधु है गृहस्थी में। झोपड़ी में रहने को मिला, टाट पे सोने को मिला, रूखी रोटी चबाई दरवेश ने, विदाई ली। लेकिन मन में लगा कि हज तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने एक चलता फिरता शाकिर का जीवन देखा तो हजारों यात्राएं कुर्बान कर दूं। फिर मन हुआ कि गरीब शाकिर बोलता ये भी नहीं रहेगा, चलो मैं हज के बहाने फिर जाता हूं। 2 साल के बाद फिर जाता है तो देखता है कि वो शाकिर जो मजदूर था वो हमदाद संपत्ति का वारसदार बन गया। हमदाद कोई संतान नहीं थी, लंबी चौड़ी जमीन जागीर थी और सोने के घड़े में हीरे जवाहरात घड़े थे, सारा का सारा शाकिर को दे दिया मरने के पहले, कहीं वासना मुझे न सताए, शाकिर तू ले ले सब। शाकिर तो महल में रहने लगा, रेशमी कपड़े पहनने लगा, बेटियों की शादी बड़े घरानों में हुई। फकीर बड़ा खुश हुआ, शाकिर पहले तो अमीर था फिर मजदूर बन गया, लेकिन अब उस अमीरी से भी कई गुना ज्यादा अमीरी आ गई। शाकिर फिर मुस्कराया कि फकीर हम दाद दे गया, लेकिन आखिर यह भी तो नहीं रहेगा। फकीर कहता है क्या है, बोले ये नहीं रहेगा, मैं हज करके लौटता हूँ, 1-8 साल रहूंगा वहीं, फिर लौटता हूँ, यहीं आऊंगा। बोले क्या पता, लौट के जब आया तो देखा बेटियों की तो शादी हो गई थी, पत्नी विधवा होकर बैठी है और शाकिर कब। फकीर ने सिर फूटा किया, देख फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा, लेकिन कौन कब किससे मिलेगा। ये तो जैसे बाढ़ में तिनके इकट्ठे होते फिर बिछड़ जाते, रेती के दाने मिलते रहते बिछड़ते रहते, ऐसे ही पति पत्नी मित्र पुत्र सब ऐसा ही है, अंतरात्मा एक शाश्वत है, बाकी सब हम सफर। मर गया उसकी कब्र पे जाऊं, शाकिर नेक इंसान था, कब्र पे जरा फूल चढ़ाऊंगा, दुआ मांगूंगा अल्लाह से। कब्र पे जाते तो क्या देखता, एक बड़ा पत्थर चमचमाता, उस पर लिखा है ये भी नहीं रहेगा। फकीर ने फिर सिर पटका, अब कब्र क्या नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, अमर अमीरी नहीं रहेगी, कब्र तो रहेगी। शाकिर ने अपनी कब्र पर भी लिखवा दिया, जाते जाते कह दिया कि कब्र पे लिख देना यह भी नहीं रहेगा। फकीर अपने वतन लौटा, लेकिन फिर शाकिर की कब्र भी नहीं रहेगा ऐसा लिखा था। लौट के आए हज के बहाने, शाकिर की कब्र कहाँ है, बोले जिलजिला हुआ था, भूकंप
पूरा कब्रिस्तान गायब हो गया, अब वहां बस्ती है। ये मकान महल जो दिख रहे हैं ना, सिलसिले के बाद यहां निर्माण चालू हो गया, कब्र का नामो निशान नहीं। कह रहा है आसमां, ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शब्द में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते हैं फानुष झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। सब बदल रहा है, चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, तन तो शरीर तो श्वास श्वास में सफर में, कई पुराने खुराक और पुराने परमाणु और जल अंश जा रहे हैं, कई आ रहे हैं, सब सफर है, सब सपना है। लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य मेरा आत्मात्मा है। ओम आनंद, हे गुरु ज्ञान, तू नित्य हमारा रक्षक है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य सुतम मंगलम, मंगलानाम मंगलम, पावनम पावने भ्योपि। ओ
from California. Good, fine. हवाई मत मेरे तक धड़ाके का ही दीक्षा तो सभी ने लिया है लगभग सफर में। ओम शांति, नारायण नारायण, हरि ओम 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 ओम। चालू रखो, मैं आता हूं। टू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हूं, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं और जो माइनॉरिटीज होते हैं और जो भटक्या विमुख जाति होते हैं, उनका कमिश्नर की पोस्ट होती है जहां इसको डायरेक्टर बोलते हैं, वो भी जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी हुई है। ये सब मेरे शरीर के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस आश्रम में मैं एक छोटा सा सेवक, साधक और शिष्य के सिवाय कुछ नहीं हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मैं हो सकता भी नहीं हूँ। ये तो बापू ने आज्ञा दी, इसलिए मैंने मेरा परिचय दिया। इसमें मुझे मेरे अहंकार की बू आती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये बापू के बच्चे होते ऐसे। चलो अब ये कांति भाई भी जीत गए, अब फिर एमएलए बनना चाहते हैं। हरिओम हरिओम।